मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जीवन मंत्रा चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, जीवन मंत्रा में जो नुस्खे हम आपको बताते हैं वो वैद्यों और एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी इस चैनल के बारे में आप बताएं। आज हम चूने की बात करेंगे। गेहूं के दाने के बराबर का जो चूना होता है वो आपकी नपुंसकता को खत्म कर सकता है, लंबाई को बढ़ा सकता है। जिन बहनों को मासिक धर्म सही समय पर नहीं होता है उनके लिए बहुत लाभदायक है, और चूना खाने से बच्चों की जो स्मृति है उसमें सुधार होता है और ये ऑर्थराइटिस और घुटनों के दर्द की समस्या को भी खत्म कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, चूना नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा है। अगर किसी के शुक्राणु नहीं बनते उनको गन्ने के रस के साथ चूना पिलाया जाए तो साल डेढ़ साल में भरपूर शुक्राणु बनने लगेंगे। जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते हैं उन्हें भी इस चूने का सेवन करना चाहिए, लेकिन गेहूं के दाने के बराबर। नंबर दो, विद्यार्थियों के लिए चूना बहुत अच्छा होता है जो लंबाई को बढ़ाता है। गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज दही में मिला के खाना चाहिए। दही नहीं है तो दाल में मिलाकर, और दाल नहीं है तो साधारण पानी में भी आप मिलाकर ले सकते हैं। इससे लंबाई बढ़ने के साथ साथ स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस्तेमाल कितना करना है, गेहूं के दाने के बराबर। नंबर तीन, जिन बहनों को मासिक धर्म सही समय पर नहीं आता है, जिनको तकलीफ होती है, तो उनकी सबसे अच्छी दवा है चूना। मेनोपॉज की सभी समस्याओं के लिए गेहूं के दाने के बराबर चूना हर दिन खाना, दाल में, लस्सी में, नहीं तो पानी में घोलकर पीना चाहिए। इससे ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना नहीं रहती। नंबर चार, जब कोई माँ गर्भावस्था में है तो चूना रोज खाना चाहिए, क्योंकि गर्भवती माँ को सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है और चूना कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। गर्भवती माँ को चूना खिलाना चाहिए अनार के रस में। अनार का रस एक कप और चूना गेहूं के दाने के बराबर मिलाकर रोज पिलाइए, 9 महीने तक लगातार दीजिए, तो 4 फायदे होंगे। पहला फायदा कि माँ को बच्चे के जन्म के समय कोई तकलीफ नहीं होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी। दूसरा, बच्चा जो पैदा होगा वो बहुत हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होगा। तीसरा, बच्चा जिंदगी में जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। नंबर चौथा, सबसे बड़ा लाभ है कि बच्चा बहुत होशियार होता है, बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट होता है, उसका एक अच्छा IQ होता है। नंबर पाँच, चूना घुटने के दर्द को ठीक करता है, कमर दर्द को ठीक करता है, कंधे के दर्द को ठीक करता है। ये एक खतरनाक बीमारी है स्पॉन्डिलाइटिस, वो चूने से ही ठीक होती है। कई बार हमारी रीढ़ की हड्डी में जो मनके होते हैं उनकी दूरी बढ़ जाती है, गैप आ जाता है, जिसे ये चूना ही ठीक कर सकता है। रीढ़ की हड्डी की सभी बीमारियां चूने से ठीक होती हैं। अगर हड्डी टूट जाए तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की ताकत सबसे ज्यादा चूने में है। इसके लिए चूने का सेवन सुबह खाली पेट करें। अगर घुटने में घिसाव आ गया हो और डॉक्टर कहे कि घुटना बदलना हो तो भी जरूरत नहीं है आपको घुटना बदलने की, आप चूना खाते रहिए और हरी सिंगार यानी परिजातक या प्राजक्ता के पत्ते का काढ़ा पीजिए, घुटने बहुत अच्छे काम करेंगे। दोस्तों, जीवन मंत्रा जीवन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप निरोग बनते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आप लंबा जीवन जीते हैं। दोस्तों, जीवन मंत्रा में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।